हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो चलिए हम लोग देखते हैं मेन प्लांट डिजीज़। ठीक है, इसमें ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं, 13 वीडियो ऑलरेडी बायोलॉजी का आपका अपडेटेड होगा। ठीक है, ये घटना चक्र का बुक है आपका। ठीक है, पूर्वालोकन घटना चक्र। तो जो बचा हुआ है आपका, इतना सिर्फ बचा हुआ है, इसको भी करवा दिया जाएगा आपको। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें 3-4 वीडियो और आएगा, 4-5 वीडियो, तब आपका जाके जो है ये पूरा का पूरा कम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये सब करवा दिया जाएगा आपको। चलिए हम लोग डायरेक्ट स्विच करते हैं। तो मेन प्लांट डिजीज़ देखिए यहाँ, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है मेन प्लांट डिजीज़ में, देखिए प्लांट जो यहाँ पे देखिए, जस्ट ए वेट मिनट, यहाँ देखिए प्लांट पैथोलॉजी। तो प्लांट जो पैथोलॉजी है उसको हम लोग क्या जानते हैं, फाइटो पैथोलॉजी से भी जानते हैं। प्लांट मतलब फाइटो हो गया, फाइटो को क्या बोलते हैं, प्लांट, समझ में आया। उसके बाद देखिए कि प्लांट पैथोलॉजी जो है इसमें क्या करते हैं, तो स्टडी करते हैं डिजीज़ के बारे में एंड डिसऑर्डर जो हो रखा है प्लांट में। तो प्लांट में डिजीज़ और डिजीज़ उसका और डिसऑर्डर जो भी हो रखा है, तो डिसऑर्डर होता है तभी तो डिजीज होता है ना, कहने का मतलब वही है। डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं हम लोग प्लांट का, इसमें प्लांट पैथोलॉजी में। और प्लांट डिजीज़ जो होता है, तो प्लांट डिजीज़ किस किस से होता है जी, तो वायरस से हो जाएगा, बैक्टीरिया से, फंगस से, पैरासिटिक एजेंट से, लैक हो जाएगा न्यूट्रिएंट तो भी हो जाता है, समझे। खुद में भी देखते होंगे न्यूट्रिशन की कमी से होती है ना, डिफिशेंसी से बहुत सी बीमारी होती है ना, उस तरह से प्लांट में भी होती है। पॉडरी मिल्ड्यू, ठीक है, ये प्लांट एक तरह से क्या है, ये प्लांट डिजीज़ है। ये किसके वजह से होता है, तो इसके वजह से क्या होता है, कॉजेस करता है, एक पॉडरी ग्रोथ हो जाता है किस पे, लीफ के सरफेस पे, ठीक है, या बर्ड के सरफेस पे, ठीक है, बर्ड्स वगैरह या लिप्स वगैरह पे ये क्या हो जाता है, एक पॉडरी सब्सटेंस जो होता है क्रिएट हो जाता है, उस पर ग्रोथ हो जाता है, बन जाता है, आ जाता है। तो ये फंगी की वजह से होता है। और कौन सा फंगी है स्पेशली, आप देख सकते हैं पोडोआस फेरी एग्जेंथी, आई थिंक सो, मेरा प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, आप कर लीजिए, एस्फेरोथेरिजिया फोलिजिनिया, ठीक है। और जो आपका इरिसेफी और चिकोरोगिग्रम जो भी है, ये भी जो है वाज फॉर्मली रिपोर्टेड टू बी द प्राइमरी कॉजल, ये भी एक, ये भी मतलब आप ये बोल लीजिए या फिर ये बोल लीजिए, ये दोनों मतलब इसके वजह से भी होता है, इसके वजह से भी होता है, ठीक है। इतना नाम नहीं पूछता, कहे कि आप साइंस के लिए जाके एग्जाम दे रहे हैं, कोई इतना आपका नाम नहीं पूछेगा, ज़्यादा से ज़्यादा फंगस पूछता है, समझे। तो बेसिकली फिर भी एक बैक ऑफ माइंड के लिए हम आपको क्या कर दिए हैं, वहाँ पे डिनोट कर दिए हैं। अब यहाँ देखिए ये बन जाता है, क्या बन जाता है जी, तो एसेक्सुअल स्पोर कोंडिया बोर्न, ये जो आपका बन रहा है ना पॉडरी मिल्ड्यू, क्यों आता है, क्यों बन जाता है वहाँ पे सरफेस पे, लीव्स के और बर्ड्स के सतह पे जो बनता है, तो एसेक्सुअल स्पोर की वजह से बनता है, जिसको बोलते हैं कोनिडिया, ठीक है। और इसके वजह से ये बन जाता है, और सल्फर डस्ट से भगाते हैं इसको, हटाना करें तो सल्फर डस्ट से भगाते हैं इसको। और सल्फर डस्ट जो होता है वो बेकिंग सोडा सॉल्यूशन से हम लोग तैयार करते हैं, या फिर कॉपर बेस्ड फंगीसाइड से तैयार करते हैं, नीम ऑयल जो होता है इससे भी भगाते हैं। तो इस सब इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, वो पॉडरी चीज को हटाते हैं, समझे। ग्रीन ईयर डिजीज, ये क्या है, बाजरा का जो है उसका डिजीज है ग्रीन ईयर डिजीज। और इसमें क्या होता है कि जैसे इनफ्लोरेसेंस मतलब क्या होता है, फ्लावर जो भी है, फूल जो है उसका जो हेड होता है ना, जैसे स्टेम हो गया, फ्लावर का स्टॉक हो गया, इस सब में क्या हो जाता है, वो कन्वर्ट कर जाता है, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस कन्वर्टेड मतलब जो भी फूल का स्टेम और फ्लावर स्टॉक है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्रीनी लीफ ईयर में, समझे। तो यही होता है इसमें, और ये फंगस की वजह से होता है। बेसिकली कौन सा फंगस है, यह आप नाम देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ देखिए शुगर केन में जो लीफ हॉफर होता है, ठीक है ना, तो वो आपका इसके वजह से होता है। पैरेलिया जो लीफ हॉफर का नाम है वो कौन सा लीफ हॉफर है, तो ये वाला लीफ हॉफर का नाम है पैरेला, ये याद रख सकते हैं क्योंकि थोड़ा फेमस है ये पैरेला परपुसीला, ठीक है। और उसके बाद देखिए एलोइंग कर देता है कलर, इसके इफेक्ट शुगर केन क्या हो जाता है, इसके वजह से एलो कलर में हो जाता है, और इवेंचुअली उसके वजह से क्या होने लगता है, ड्राई होने लगेगा लिप्स, ऑक्सीजन वगैरह सब नहीं मिलेगा तो दिक्कत होगा ना जी, जो मतलब फोटोसिंथेसिस होना चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन मतलब इन द सेंस क्या समझ रहे हैं, वो ऑक्सीजन इनसाइड ऑक्सीजन लेता है क्या, वो ऑक्सीजन जरूरी है कि कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, वो बात की बात है। बेसिकली क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। यहाँ देखिए फोटोसिंथेसिस जो होता है, देखिए वही रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से रिडक्शन जो होता है, इसकी वजह से रिडक्शन, अगर वो रिड्यूस होगा मतलब बनेगा नहीं फोटो, सुक्रोज कंटेंट कम हो जाएगा जो कि 30% तक कम हो जाता है। और हनी जो ड्यू है डैट कोट द लीव्स, समझ में आ रहा है, हनी ड्यू जो होता है डैट कोट द लीव अट्रैक्ट करता है एक ब्लैकिश फंगस को, तो इसी की वजह से क्या होता है, एक ब्लैकिश फंगस वगैरह अट्रैक्ट होता है उसमें, और इसके वजह से यही हनी ड्यू और जो लिप्स के पत्ते पे कोट होता है आता है, उसके वजह से ये ब्लैकिश फंगस है। तो मान लो कि मधुमक्खी वगैरह आया वहाँ पे, समझ रहे हैं, समझ गए होंगे, इलाबोरेट करने की जरूरत नहीं है। और इसके वजह से क्या होता है भाई, तो फोटोसिंथेसिस कम होगा तो यील्ड हो जाएगा ना लॉस, वो बनेगा नहीं चीज़ें, उसी से तो फूड बन रहा है ना, जैलम फाइलम पड़े होंगे। वाइट रस्ट जो होता है, ये देखिए इस, ये जो होता है एक तरह से ओमोसाइट्स है, ओमोसाइटिस एल्बोगो कैंडिया, ठीक है ना। और ये कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, तो ब्रासिसिया
और मस्टर्ड वगैरह, ब्रोकली वगैरह, कॉलीफ्लावर, कैबेज वगैरह में देखने को मिलेगा। और ये क्लोरोसिस जो होता है, एक लीफ सरफेस पे क्या होता है, आपको ये आ जाएगा देखने को मिलेगा। साइन एंड सिम्टम ऑफ इन्फेक्शन इंक्लूड क्लोरोसिस ऑन लीफ सरफेस, वाइट ब्लिस्टर लाइक ग्रोथ हो जाता है, ठीक है ना, लीव्स वगैरह जो होता है, स्टेम वगैरह, ये सब पे देखने को मिलता है। और फंगीसाइड जो होता है उसका यूज करते हैं हम लोग ट्रीटमेंट के लिए, इसको सही करना है तो फंगीसाइड वगैरह यूज करेंगे। फिर कर्नल बंट, देखिए ये इसी को पार्सियल बंट भी बोलते हैं, जो कि एक फंगल डिजीज है जो कि वीट पे या ड्रम वीट पे, ठीक है, ट्राइटिकल पे होता है, ठीक है, किसका है ये, तो वीट पे, ये सब पे होता है, ठीक है। और स्मूट फंगस, जिसका नाम क्या है, टिलेटिया इंडिका, इससे होता है बेसिकली, फंगस की वजह से करनाल बंट होता है। और वीट वगैरह में देखने को मिलेगा करनाल बंट। और भी स्पेसिफिक जाइएगा तो ड्रम वीट, ट्राइटिकिला, ठीक है, इंडोस्पर्म जो होता है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इट इन्वेड द कर्नल एंड ऑप्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम द इंडोस्पर्म, से ये न्यूट्रिएंट ले लेता है, उस पर आएगा ना तो वो अपना खाना इस तरह से जुगाड़ कर लेता है। और लिविंग बिहाइंड वेस्ट प्रोडक्ट, वहीं पे छोड़ देता है वेस्ट प्रोडक्ट। और डिसएग्रीबल ऑर्डर, जिसकी वजह से होता है कि बहुत गंदा स्मेल आता है, ऑर्डर आता है, स्मेल मतलब ऑर्डर मतलब आप जब खाइएगा उस चीज़ को तब ऑर्डर बोल रहा है, स्मेल का बात नहीं कर रहा ऑर्डर। और देखिए ऑर्डर मतलब क्या होता है, टेस्ट होता है क्या, स्मेल बताइए। तो यहाँ देखिए अन पलेटेबल फॉर यूज़ इन फ्लोर, ठीक, फ्लोर फ्लावर जो आटा वगैरह है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि बेसिकली क्या हो जाता है, ऑर्डर वगैरह चेंज कर देगा, ठीक है। अब इरोगेट डिजीज जो होता है, इरोगेट भी फंगस की वजह से होता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और ज़्यादा अच्छे से थोड़ा सा वो कर दिया होगा, बता देंगे, यहाँ पे फंगस है, याद रखना बेसिकली आपसे ज़्यादा यही पूछेगा कि किसके वजह से ये डिजीज़ हो रहा है और किस पे हो रहा है, समझ में आया। तो ये फंगस से होता है, और क्लैबी जो फंगस का स्पेसिफिक नाम देखिए, और इन्फेक्ट करता है डेवलपिंग ग्रेन ऑफ द सीरियल, जैसे सीरियल वगैरह, ग्रासेस वगैरह, ग्रेन वगैरह, ठीक है, ग्रेन ऑफ द सीरियल, ये सबको क्या करता है, अफेक्ट करेगा। और ईट इन्फेक्टेड ग्रेन अगर आप खाते हैं तो क्या कर लेगा, एक डिजीज़ हो जाएगा आपको, जिस डिजीज़ का क्या नाम है, इरोगोटिज्म, ठीक है, क्या नाम है, इरोगोटिज्म। और टुंगरू डिजीज़ जो होता है वो राइस का डिजीज़ है, राइस पे होता है, और ये किसके कम्बिनेशन, राइस का डिजीज़ है, और इसके ये दोनों के कम्बिनेशन की वजह से होता है, किसके कम्बिनेशन से, जो कि किसके द्वारा होता है, तो लीफ हॉपर के थ्रू होता है, और टिड्डा जानते हैं ना जी। और देखिए कम्बिनेशन किसके किसके, तो RTSB और RTBB, ये दोनों के कम्बिनेशन से होता है, जिसका पूरा नाम क्या है, राइस टुंगरू स्पेरिकल वायरस, मैंने वायरस से होता है ये डिजीज, टुंगरू डिजीज, समझ में आया। और राइस टुंगरू बैसिलोफॉर्म वायरस, तो बेसिकली वायरस से होता है, ये याद रखना, टोटल याद रखना तो और अच्छी बात है। लीफ डिसकलोरेशन, लीफ में क्या हो जाएगा, डिसकलोरेशन आ जाता है, स्टंट हो जाता है ग्रोथ, ग्रोथ अच्छा नहीं होगा, फिर रिड्यूस हो जाता है टिलर, समझे, और अस्ट्राइल हो जाता है, समझ में आ रहा है। तो बेसिकली क्या हो जाता है, ग्रोथ रिटार्ड कर गया इसका। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि प्लांट से जो होने वाला डिजीज़ है, ठीक है ना, प्लांट डिजीज़ जो होता है वायरस वजह से, जो भी प्लांट में डिजीज़ हो रहा है वायरस की वजह से, वो क्या क्या है, तो देखिए टोबैको मोसाइक डिजीज़ है, कुकम्बर मोसाइक डिजीज़ है, बार्ले एलोड्राफ है, बर्ड ब्लाइट है, शुगर केन मोसाइक वायरस, ये बहुत अच्छा है, याद रखना आपको, वायरस की वजह से होने हो रहा है सब सारा डिजीज़। शुगर केन मोसाइक, कॉलीफ्लावर मोसाइक, लिटियोस मोसाइक, मेज पीनट स्टंट, एलोवेन मोसाइक जो हो जाता है, लेडी फिंगर का जिसको ओकरा बोलते हैं, इसका वेक्टर इज कौन सा, किसके वजह से होता है, तो बीमिसिया टिबैकी वाइट फ्लाई उड़ने वाला है, यही वायरस को कैरी करता है, और इस पे जाके वो वायरस को छोड़ देगा, तो इसके वजह से क्या हो जाता है, एलोवेन हो जाता है मोसाइक का, लेडी फिंगर जो होता है उसका एलोवेन हो जाता है, तो समझ में आ रहा है। तो बेसिकली आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, शुगर किन मोसाइक, पीनट स्टंट, और ये लेडी फिंगर वाला जो कि वायरस से ही होता है, और टोबैको मोसाइक, समझ में आ रहा है। तो ये वायरस से फैलने वाला प्लांट डिजीज़ है। उसके बाद देखिए जो प्लांट डिजीज़ बैक्टीरिया की वजह से होता है, जैसे पोटैटो विल्ट, ठीक है, उसका देखिए ये नाम दिया हुआ, नाम आई थिंक सो होता ना, इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर याद रखना है तो बहुत अच्छी बात है, याद रखिए। यहाँ देखिए बैक्टीरिया से जो होने वाला है वो पोटैटो विल्ट हो जाता है, फिर क्रॉन गॉल डिजीज़ हो जाता है, ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज हो जाता है, कैंकर ऑफ सैट्रस। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, पोटैटो विल्ट जो होता है बैक्टीरिया की वजह से होता है, और कैंकर ऑफ सैट्रस जो होता है वो भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। उसके बाद फंगस की वजह से होने वाला डिजीज देखिए, ब्लैक रस्ट ऑफ द वीट, वीट में ब्लैक रस्ट लग जाता है, ये फंगस से होता है। और लूज स्मूट ऑफ वीट, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, वाट डिजीज ऑफ पोटैटो, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, विल्ट ऑफ अरहर। तो ये सारा डिजीज आपका किससे हो रहा है, फंगस से हो रहा है। कौन कौन, तो ब्लैक रस्ट ऑफ वीट, ये बहुत अच्छे से याद रखना है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो याद रखना है, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट याद रखना है, रेड रॉट ऑफ शुगर केन याद रखना है, समझ में आया। उसके बाद देखिए यहाँ पे लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से जो डिजीज होगा, जैसे कि जिंक, अगर जिंक की कमी हो जाएगी तो कौन सी डिजीज हो गई, खैरा डिजीज हो जाएगी, किसमें, पैडी में। तो पैडी में कौन सी डिजीज हो जाएगी, खैरा डिजीज हो जाएगी आपका जिंक की कमी से। उसके बाद जिंक की कमी से वाइट बर्ड भी हो जाता है, वाइट बर्ड डिजीज हो जाता है मेज में, समझे। और ब्रोन की अगर कमी रहेगी तो कौन सी डिजीज हो जाएगी, तो इंटरनल कॉर्क इन एप्पल फ्रूट में आ जाता है, ठीक है।
और क्या हो जाता है, कॉलीफ्लावर में ब्राउन, कॉलीफ्लावर ब्राउन होने लग जाएगा, समझे। और आपका शुगर बीट जो होता है उसका हार्ट जो होता है रॉट करने लग जाएगा, सड़ने लग जाता है। और मॉलीवेटनम की वजह से क्या हो जाता है, अगर इसकी कमी रहेगी तो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा, बीपटेल डिजीज हो जाता है कैबेज में, समझे। तो जीन से बहुत अच्छे से याद रखना कि खैरेटेज होता है पैडी का, ये एकदम पूछता है कहीं भी एग्जाम में पूछ देगा। और ब्राउन वगैरह का याद रखना कि कॉलीफ्लावर शुगर बीट वगैरह में, और ठीक है, इस तरह से ये आपका हुआ। उसके बाद चलिए सवाल पे हम लोग स्विच करते हैं। यहाँ देखिए पूछ रहा है कि वायरस से, वायरस इन्फेक्ट कर सकता है किस किस चीज को। तो देखिए यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, वायरस कैन इन्फेक्ट, वायरसेस कैन इन्फेक्ट। तो देखिए वायरस इन्फेक्ट कर सकता है बैक्टीरिया को, फंगी को, प्लांट को। क्या पूछ दिया, जैसे अब तक आप लोग सोचते होंगे कि जैसे वायरस से हम लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं, तो वायरस से बैक्टीरिया को भी वायरस इन्फेक्ट कर देता है, समझ रहे हैं। ये थोड़ा सा आप शायद नहीं सोच पाए होंगे कभी ऐसा टाइप का, लेकिन सही में ऐसा होता है। फंगी जो है जैसे प्लांट वायरस, अभी देखें ना जी प्लांट में कौन कौन सा डिजीज होता है, ह्यूमन को भी हो जाता है, तो ये बैक्टीरिया फंगी ये सब को भी लपेट लेता है वायरस, समझ में आया। उसके बाद देखिए यहाँ कि वीट जो होता है, वीट उस वो आपको आपको करेक्ट मैच करना था, डिजीज हो जाता है जैसे कि बाजरा में कौन सा डिजीज हो जाता है, बाजरा में इरगोट डिजीज हो जाता है बाजरा में, ठीक है। पोटैटो में लैड लेट ब्लाइट डिजीज होता है, वीट में जो है फ्लारिसिस माइनर डिजीज होता है। तो याद रखना है शुगर केन जो होता है उसमें कौन सा डिजीज होता है, पॉडरी, शुगर केन में नहीं होता ये एक्चुअली। देखिए पॉडरी मिल्ड्यू जो होता है वो क्या होता है, जैसे पॉडरी मिल्ड्यू आपका वीट पे, ग्रेप पे, बार्ले पे, ओनियन पे, एप्पल पे, पी पे, ये सब पे देखने को मिलेगा, ये सारा आ जाता है यहाँ पे। नॉट करेक्ट पूछ रहा था, समझे। तो ये शुगर केन में नहीं होता, ये सारे पे होता है, कौन सा, पॉडरी मिल्ड्यू, ठीक है। ये डिजीज जो है ये सारे पे होगा, ठीक है, वीट पे, ग्रेप पे, बार्ले, समझ में आया। और बाकी ये देख लीजिए आप, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब याद रखना आपको। ग्राम पे जो होने वाला डिजीज़ होगा वो विल्ट डिजीज़ होता है, और बाजरा पे ग्रीन हेयर हो जाता है डिजीज़, ठीक है, बाजरा पे। और जो है क्लोरोसिस जो होता है मेज प्लांट में, वो जिंक की कमी से होता है। उसके बाद आप यहाँ देखिए लीफ, लीफ जो पत्ता होता है प्लांट का, लीफ जो होता है प्लांट का अनडेवलप्ड हो जाता है, तो प्लांट जो होता है इसके वजह से क्या हो जाएगा, जिंक की कमी रहेगा ना, तो पत्ते जो होते हैं ना प्लांट का अनडेवलप्ड आ जाता है, तो अच्छे से फोटोसिंथेसिस वगैरह होगा नहीं, तो प्लांट का ग्रोथ हो नहीं पाएगा, तो प्लांट क्या हो जाता है, बौनर आ जाता है, ड्वार्फ हो जाता है। और यहाँ पे देखिए जो टिप होता है, यानी पत्ता का जो टिप होता है ना, द टिप ऑफ द मेज, समझ में आ रहा क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए एक मिनट, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि टिप जो होता है ना पत्ता का, वो वाइट हो जाता है टिप, समझे, पत्ते का टिप पे वाइट हो जाता है और वाइट बर्ड हो जाएगा। और देखिए जिंक डिफिशियंसी के एल्लो भी हो जाता है उसका, ठीक है ना, और मोल्डेड एंड एल्लो बिकॉज ऑफ जिंक डिफिशियंसी, वाइट होता है वो, वाइट के बाद वो फिर एल्लो होने लग जाएगा इस तरह का, ठीक है। तो जिंक डिफिशियंसी से ये सारा देखने को मिलेगा। उसके बाद आप देखिए, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया, हो गया होगा कि जो टिप होता है वाइट हो जाता है और येलो कलर भी देखने को मिलता है। और यहाँ पे देखिए खैरा डिजीज जो होता है राइस में होगा, खैरा डिजीज किसके कमी से होता है, तो जिंक के कमी से होता है खैरा डिजीज राइस में, पैडी में, समझे। और पेरिला जो होता है पेरिला पेस्ट जो होता है, जो कि हार्मफुल इंसेक्ट है, क्या ये पेरिला पेस्ट, ये एक इंसेक्ट है, हार्मफुल इंसेक्ट है, जो शुगर केन को क्या कर देता है, बर्बाद कर देता है। और वाइट रस्ट जो होता है वो फंगल डिजीज है, ठीक है, और ये मस्टर्ड में होता है वाइट रस्ट। और ब्लैक रस्ट एंड स्मूट जो है ये क्या है, किस पे होता है, तो वीट, वीट जो है वीट, वीट का फंगल जो डिजीज है वो कौन सा है, ब्लैक रस्ट एंड स्मूट, ये वीट पे हो जाएगा, समझे, ये डिजीज। और यहाँ देखिए कर्नल बंट जो है, पीछे पड़े थे ना, फंगल डिजीज है जो कि वीट क्रॉप पे होता है। और यहाँ देखिए आप स्मूट फंगस जो कि किसके वजह से होता है, स्मूट फंगस के द्वारा, वो कौन सा है, स्मूट फंगस का एग्जाम्पल कौन सा है, कौन सा फंगस है, टिलेटिया इंडिका, ये कौन, क्या नाम है फंगस का ही नाम है। टुंगरो वायरस जो होता है राइस में वो क्या होता है, जैसे ग्रीन जो लीफ ऊपर होता है यही बर्बाद कर देता है राइस को, समझे, और किसकी वजह से होता है, तो टुंगरो वायरस की वजह से होता है। और ये जो ग्रीन लीफ ऊपर जो होता है वो किसको कैरी करता है, तो ये टुंगरो वायरस को कैरी करता है ये, ठीक है, ये वेक्टर है, ये कैरी करता है इसको, और ये इस पर आया टुंगरो वायरस, तो ये क्या कर दिया, राइस को बर्बाद कर दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि स्प्रिड जो होता है प्लांट डिजीज़, वो जैसे प्लांट डिजीज जो फैलता है किसके वजह से फैलता है, तो बताइए, तो ये सारे वजह से प्लांट डिजीज़ फैलता है, जैसे वर्ड हो गया, रेन हो गया, डस्ट ब्लोइंग हो गया, विंड ब्लोइंग, इस सारे के वजह से स्प्रेड हो सकता है प्लांट डिजीज, समझ में आ रहा, किस तरह से, किसी तरह से वायरस उड़ के आ गया, समझे, वर्ड लेके आ गया, समझ में आ रहा, तो इस तरह से होता है। यहाँ पे देखिए ब्लैक हार्ट जो होता है पोटैटो में, ब्लैक हार्ट, तो ये किसके कमी से होता है, तो ऑक्सीजन डिफिशेंसी के कमी से होता है ब्लैक हार्ट। उसके बाद यहाँ देखिए कि एल्लो वेन जो होता है मोसाइक, ओकरा जो होता है ओकरा में क्या हो जाता है, एल्लो वेन हो जाता है, एल्लो वेन मोसाइक डिजीज, ठीक है, इन ओकरा, ओकरा मतलब वही लेडी फिंगर था ना जी, तो उसमें, तो ये किसके वजह से ये जब हुआ तो इसके ये क्या हो जाएगा, क्या कर देगा,
तो वाइट वाइट फ्लाई जो होता है किसके वजह से होता है, तो वाइट फ्लाई जो होता है वो ऐसे वाहक होता है, वेक्टर होता है, बताए ना, यही कैरी करता है वायरस को, और वो आता है और इस पर ऐसे लेडीज फिंगर पर डाला तो क्या हो जाएगा, एल्लो वेन मोसाइक डिजीज हो जाएगा, समझे, ये कर देता है वायरस, ठीक है। तो विंडी में वही डिजीज़ होता है। अब देखिए स्पॉन्जी डिजीज जो होता है सीरियस डिसऑर्डर है, स्पॉन्जी डिजीज जो होता है स्पॉन्जी टिशू जो है वो क्या है, सीरियस एक डिसऑर्डर है स्पॉन्जी टिशू, अगर टिशू जो है स्पॉन्जी हो गया बड़ा लचीला तो वो क्या है, सीरियस डिसऑर्डर है। और ये एक्सपोर्ट ऑफ मैंगो अल्फांसो को हैम्पर करता है, समझे। और ये रैपनिंग डिसऑर्डर है, जैसे स्पॉन्जी टिशू हो गया तो रैपनिंग डिसऑर्डर मतलब पकेगा नहीं, ठीक है, डिसऑर्डर हो चुका है। एक्सपोर्ट ऑफ मैंगो अल्फांसो को हार्म करता है, समझ में आया। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। अब देखिए जेनेटिक एंड जेनेटिक जो वाला जो था बायोटेक्नोलॉजी, ये आपको करवा दिया जाएगा नेक्स्ट। इस तरह से दो चार और है इसका छोटा छोटा टॉपिक, वो करवा कर इसको बाइंड कर दिया जाएगा। उस तरह से फिर आपका पूरा फिजिक्स कंप्लीट हो चुका है, पूरा केमिस्ट्री आपका कंप्लीट हो चुका है, बायोलॉजी ही सिर्फ बचा हुआ है। जाके फिजिक्स देखिए 3 से 4 घंटा में कंप्लीट किया हुआ है, केमिस्ट्री में भी 3-4 घंटा में कंप्लीट किया हुआ है, थोड़ा बायोलॉजी में टाइम लग रहा है। लिखा हुआ होगा आपको कि 3 से 4 घंटा में कंप्लीट लिखा होगा बायोलॉजी, लेकिन ये कम से कम तो 8 घंटा 9 घंटा लगने वाला है, ठीक है। ऑलरेडी शायद जो वीडियो अपलोडेड है वो 6.5-7 घंटा का होगा, अभी और जो बताऊंगा उसमें 1.5 घंटा 2 घंटा और लगने वाला है, तो लगभग 9 से 10 घंटा में आपका पूरा बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन पूरा करवाया हूँ आपको, सवाल करवाया हूँ, डिस्क्रिप्शन करवाया हूँ, और शुरू का जो एक्सप्लेनेशन है वो भी करवाया हूँ, ठीक है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आप इसको 1-2-3 बार सुनिए, बस फ्री टाइम में ऐसे सुनिए, वैसे ही वो क्लिक होते चल जाता है, समझे। एक बार आराम से सुन लीजिए, उसके बाद 2-3 बार 10-15 दिन के इंटरवल पे ना ऐसे बजा कर छोड़ दीजिए, सुनते रहिए, तो वो दिमाग में क्लिक हो जाता है, ठीक है। आपको जैसा करना है वैसे कर सकते हैं, दिस इज माई साइड एडवाइस, यू कैन फॉलो इट, अदरवाइज यू कैन लीव इट। चलिए होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।